हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल राम बाबू सेफ्टी गाइड। टुडे टॉपिक, व्हाट इज डेड लोड, व्हाट इज लाइव लोड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्काफ होल्डिंग एंड हाउ टू कैलकुलेट स्काफ होल्डिंग SWL एंड हाउ टू कैलकुलेट स्काफ होल्डिंग लोड, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल इन स्काफ होल्डिंग, सो हेल्प यू फॉर कैलकुलेट स्काफ होल्डिंग SWL। तो आज का हमारा टॉपिक है कि स्काफ होल्डिंग का SWL कैसे हम निकालेंगे और स्काफ होल्डिंग का मटेरियल का अप्रॉक्सिमेटली वेट कितना होता है। तो वीडियो का स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक राम बाबू सेफ्टी गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी जानकारी मैं अपनी वीडियो चैनल पर लेके आते रहता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जानते हैं व्हाट इज द डेड लोड। डेड लोड क्या होता है? तो द डेड लोड इनकॉर्पोरेटेड ऑल सेगमेंट एंड इक्विपमेंट विच आर ए पार्ट ऑफ स्काफ होल्डिंग, दिज इंक्लूडिंग प्लेटफॉर्म स्ट्रक्चर कॉम्पोनेंट, स्काफ होल्डिंग सीटिंग, एड्स प्रोटेक्शन, सस्पेंशन केबल, होस्ट ETC। मतलब डेड लोड हम उसे बोलते हैं जो स्काफ होल्डिंग का कॉम्पोनेंट होता है, स्काफ होल्डिंग का पार्ट, मतलब सिंपल लैंग्वेज में जिसे हम स्काफ होल्डिंग बनाते हैं, जो मटेरियल में यूज करते हैं, वो दिस इज कॉल्ड ऑफ डेड लोड। एंड नेक्स्ट जानते हैं व्हाट इज द लाइव लोड। लाइव लोड क्या होता है? आपको लाइव से ही पता चल रहा होगा। तो द कंसिस्टेंसी ऑफ लाइव लोड इज कंसिस्टेंट ऑफ ड्यूटी एंड इंक्लूडिंग इंडिविजुअल वर्किंग ऑन स्काफ होल्डिंग एंड स्टैकिंग ऑफ मटेरियल। मतलब कि लाइव लोड उसे बोलते हैं जो ऑन द टाइम, उस टाइम पे स्काफ होल्डिंग कितना आदमी काम कर रहा है, उसका क्या क्या मटेरियल स्टॉक किया, उसका पूरा वेट को हम लाइव लोड बोलते हैं। नेक्स्ट जानते हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्काफ होल्डिंग। स्काफ होल्डिंग का रेशियो कितना होना चाहिए हाइट के हिसाब से? तो अभी हम जानते हैं द लोड स्काफ होल्डिंग ऑफ द डिटरमाइंड बाय द हाइट टू बी रेशियो 4.1। मतलब 4.1 मीनिंग द स्काफ होल्डिंग कैन बी अप टू 4 टाइम्स एंड मेनली बेस विथ। फॉर एग्जांपल, मतलब कोई भी स्काफ होल्डिंग बनाएगा, अगर हमको 3 मीटर के स्काफ होल्डिंग हमको बनानी है, तो उसका जो बेस होगा वो कितना होगा, तो उसके पर हमको डिसाइड करने का। मतलब हमको अगर 3 मीटर हमने बेस लिया है, तो हमारे स्काफ होल्डिंग की हाइट 12 मीटर हो जाएगी। अगर 12 मीटर का स्काफ होल्डिंग खड़ा कर सकते हैं। अगर हमारी स्काफ होल्डिंग हमको 2 मीटर हाइट पर बनाना है, तो हमको उसका बेस हमको निकालना है, तो कितना होगा? तो आपका 0.5 मीटर होगा। अगर आपको 4 मीटर का स्काफ होल्डिंग बनाना है, तो बेस कितना होना चाहिए? 1 मीटर बेस होना चाहिए। तभी हम दूसरा और एक एंगल से जानते हैं कि अगर दूसरे कंडीशन जहाँ पे विंड फैक्टर्स ज़्यादा हो और आपका जो मॉयल स्काफ होल्डिंग है उसका क्या रेशियो रहता है। तो अगर आप आउटसाइड में काम कर रहे हो, जैसे कि विंड है ज़्यादा, तो आपको 3.5 × 1 का स्काफ होल्डिंग का रेशियो में आपको स्काफ होल्डिंग क्रिएट करना है। वही आपका जो मोबाइल स्काफ होल्डिंग है उसका रेशियो जनरली 3.11 रखते हैं, क्योंकि उसमें ऐसे हमको मूव करके लेके जाना पड़ता है। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया डेड लोड क्या है, लाइव लोड क्या है, और स्काफ होल्डिंग का रेशियो कितना होना चाहिए, आपको मोबाइल स्काफ होल्डिंग का रेशियो कितना होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट स्काफ होल्डिंग लोड SWL। स्काफ होल्डिंग का SWL हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फार्मूला क्या होता है? तो स्काफ होल्डिंग का जो फार्मूला होता है उसको होता है डेड लोड प्लस 4 × लाइव लोड। मतलब आपको डेड लोड बताया था, डेड लोड किसे बोलते हैं, लाइव लोड किसे बोलते हैं। अभी हमको आपकी कैलकुलेशन निकालना था, अभी हम एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। एग्जाम्पल, हमने एक स्काफ होल्डिंग ऐसा क्रिएट किया है, तो एक क्रिएट करने के बाद हम इसको जानेंगे कि तो अभी हम नेक्स्ट जानेंगे तो इसका हमको अगर डेड लोड हमको निकालना है तो उसमें कितना स्काफ होल्ड। तो उसका डेड लोड मतलब मीनिंग क्या होता है? वेट ऑफ स्काफ होल्डिंग कॉम्पोनेंट एंड वर्किंग प्लेटफॉर्म। मतलब कि ये जो आपका पाइप है, इस पाइप का वेट कितना हुआ, ये प्लैंक्स का वेट कितना हुआ, तो इसका हम डेड लोड हम निकालेंगे। तो एक सब अभी हम अप्रॉक्सीमेटली एक आइडिया लगाते हैं, तो उसका 125 kg आसपास का होगा, मैंने एक मान लिया। लेकिन आपका मैं पूरा इसका मैं आपका एक चार्ट में दिखाने वाला हूँ कि एक्चुअली कितना इसका वेट होता है। अप्रॉक्सीमेटली वेट मैंने एक लिस्ट बनाया, उसमें आपको दिखाऊंगा। पहले हम समझते हैं कि SWL कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट, लाइव लोड कैसे निकालेंगे? तो वेट ऑफ वर्कर, मतलब यहाँ पे देखिए आपको 2 आदमी काम कर रहा है, ठीक है, कुछ लोग टूल्स भी लेके गए होंगे, तो उसका क्या निकालते हैं? तो मतलब 2 आदमी का वेट अप्रॉक्सीमेटली इसका 65 हो गया, इसका 75 हो गया, इसका कुछ मटेरियल ले गया जो 2500 kg का, 170 kg का। तो टोटल को हम चलते हैं निकालने के लिए, स्काफ होल्डिंग SWL निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? डेड लोड फार्मूला पहले बताया, डेड लोड प्लस 4x × लाइव लोड। तो उसको हम कैलकुलेशन हम निकालते हैं, पूरा फिट कर दिया, तो इसको कैलकुलेशन निकाल कर हमको 125 प्लस करेंगे, तो टोटल इसका कैलकुलेशन आएगा 10,000
आ जाएगा। तो इसका हम टोटल अभी हमारा स्कैफोल्डिंग SWL कितना हो गया, तो 10,965 हमारा SWL हो गया। इसको हम 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 10.96 नंबर स्कैफोल्डिंग का SWL निकल गया। तो आइए अब आप लोग समझ गए कि स्कैफोल्डिंग SWL कैसे निकालना है। अभी हमको डेड लोड निकालने के लिए तो हमको अप्रोक्सीमेटली जो इसका वेट का हमको जानना है। तो अभी हम जानते हैं कि वेट अप्रोक्सीमेटली वेट कितना होता है, स्कैफोल्डिंग कितना होता है, मेटेरियल कितना होता है, अभी हम उसको निकालेंगे। तो उसके लिए डिफरेंट टाइप का होता है। पहले हम जानते हैं आपका राइट एंगल कॉपलर का वेट कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 1 kg। सिंगलर कॉपलर का वेट कितना होता है, 0.6 kg। ज्वाइनर का वेट कितना होता है, 0.8 kg। ऐसे आप देख सकते हैं सिबुलर कॉपलर 1.2 kg एंड उसका जो प्लैंक्स आता है उसका 18 kg और जो आपका 18.3 mm ग्लेंजॉइड स्कैप होल्डिंग ट्यूब का 1 meter का पाइप का वेट कितना होता है, 4.4 kg। तो ये रहा दूसरा आपका, और भी हमारे जो प्लास्टिक फाइबर्स है उसका स्टील रड सेट सैंड है उसका वेट कितना आता है, जस्ट आपका ब्रिक्स हो गया, सीमेंट का बैग कितना आ गया, जो कंक्रीट ब्लॉक होता है उनका वेट कितना होता है, और लास्ट में हम जानेंगे कुछ पेंट लेगा या कुछ कंक्रीट मटेरियल है तो इसका पेंट का कितना वेट कितना होगा। तो ये रहा आपका कैलकुलेशन। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी को चाहिए तो इसका मैं आपको फोटोग्राफी आप इमीडिएटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको इसका आपको PDF भी शेयर कर सकता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो।